हमें समय के साथ चलना चाहिए, इसी विचार के साथ आपने अपना मोबाइल फोन लिया होगा। और अब जब हम उसके इतने आदि हो चुके हैं तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ स्मार्टफोन के कई ऐसे ऐप भी हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। उसी ऐप में एक ऐप है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के बिना हमारे कई काम ऐसे हैं जो रुक जाते हैं, जो हम नहीं कर पाते। पर हम आपको बता दें कि अगर आप आज भी पुराना स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्द ही आपके मोबाइल से व्हाट्सएप गायब होने वाला है। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का सपोर्ट अगले साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन्स के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिन स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म किया जा रहा है उनमें एंड्रॉइड और आईफोन शामिल है, यानी पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक iOS 9 और एंड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। आईफोन 4 या इससे पुराने आईफोन से भी व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म किया जा सकता है। हालांकि इससे अगले वर्जन के आईफोन यानी आईफोन 4S, आईफोन 5S, आईफोन 5C, आईफोन 6, आईफोन 6S में अगर पुराना सॉफ्टवेयर है तो इन्हें अपडेट किया जा सकता है। अपडेट करने के बाद ही इन आईफोन मॉडल में व्हाट्सएप चलाया जा सकेगा। एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की बात करें तो एंड्रॉइड 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि व्हाट्सएप समय समय पर ऐसा करता है। अब लगातार नए अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच दिए जाते हैं, ऐसे में पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर में सपोर्ट देना कंपनी के लिए संभव नहीं होता। नए सिक्योरिटी पेज की वजह से भी कई बार कंपनी सलाह देती है कि पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर पर चलने वाले स्मार्टफोन्स ना यूज करें। इसीलिए आपके पास भी अगर पुराना आईफोन या एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो सेटिंग्स में जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं।